हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 238 का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा आपने भाई देखा, बिल्कुल अब कुमार जी के थोड़े से सोच विचार बदले हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक। बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जो इन शक्तियों को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर अपने आत्मविश्वास को पोषित करता है, सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। किंतु जिनमें इन शक्तियों से, अधिकारों से अहंकार उत्पन्न होने लगे, उनका विनाश निश्चित है। आज का अभ्यास पूर्ण हुआ नंदी? नंदी नहीं गया। आप तो मोर ला गई। से स्वयं बात करना भी आवश्यक है। हाँ जी। नहीं जी। मेरा नाम स्वीकार कीजिए पिताजी। अतीत हो रहा है, तुम युद्ध ही तो पूर्णतः तत्पर। निसंदेह अब तो मुझे केवल उसी क्षण की प्रतीक्षा है जब युद्ध भूमि में तारकासुर मेरे समक्ष होगा। युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध का परिणाम स्पष्ट है। मुझे पूर्ण विश्वास है तारकासुर को तुम्हें पराजित करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं तो केवल उसी का वर्णन कर रहा जो प्रत्यक्ष है। हाँ जी। जो सब देख सकते हैं केवल तुम्हें छोड़ के, अपनी लगन, निष्ठा और क्षमता से तुम सेनापति का पद ग्रहण करने योग्य बन गए, किंतु तुम भूल रहे हो, सेनापति का पद ग्रहण करने से युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती। हाँ जी। ये सत्य है पिताजी कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूर्व मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था, किंतु अभी तो मुझे अपनी शक्तियों और कुशलताओं पर इतना विश्वास है कि इस युद्ध में तो क्या, किसी भी युद्ध में मेरी विजय निश्चित है। अब चिंता ना करें पिताजी, महादेव और आदि शक्ति के पुत्र को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अच्छा जी। सिवाय अहंकार के। ओहो, कितना सख्त पॉइंट मारा। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता,
और ना ही अभ्यास का। जिस दिन किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो गया कि उसने सर्वज्ञता प्राप्त कर ली और उसे अभ्यास की आवश्यकता नहीं, वो उसके विवेक का अंत है। किंतु किसी और से युद्ध करने से पूर्व सर्वप्रथम तुम्हें अपने व्यक्तित्व की त्रुटियों से युद्ध करना होगा। हाँ जी, क्या पॉइंट है। उन पर विजयी पानी होगी और ये केवल अपनी कुशलताओं और शक्तियों के निरंतर अभ्यास से ही संभव हो सकता है। हाँ जी। पिताजी, आपको अभी मुझ पर विश्वास नहीं, किंतु मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। विश्वास और भ्रांति में अंतर समझना आवश्यक है। आपकी भ्रांति दूर करने का एकमात्र उपाय मैं जानता हूं पिताजी। कोई भी, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना, इसे मेरे समक्ष युद्ध बुलाएं करते हैं कि मुझे पराजित करके दिखाए। ओहो ओहो, पिताजी के सामने चैलेंज। हां जी, चलो। ये सेनापति कार्तिकेय की चुनौती है। गलत जगह पर है। हाय हाय, बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। महान है देवराज, आप तो महान। देवराज फिर परेशान। आपने तो शिव और शक्ति के पुत्र को भी नहीं छोड़ा। मैं तो केवल कार्तिकेय की प्रशंसा कर रहा था मुनिवर। इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने कब कहा कि इसमें आपका दोष है? अपराध है अपराध। किसी को इतना उकसा कर उसके मन में अहंकार का बीजारोपण करना, ये तो मेरी मंशा कार्तिकेय को उकसाने की कदापि नहीं थी। मुनि देवराज, देवराज इंद्र, यदि आपके पास देने के लिए ज्ञान नहीं है तो मौन रहने में क्या कष्ट है? ओहो, फिर जल्दबाजी। जो भी हुआ विष्णु जिया, उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। कोई नहीं, हो जाएगा। वो महादेव को, जो कि ना केवल उनके पिता है अपितु उनके गुरु भी हैं, उनको चुनौती दे बैठा है। अपने प्रशिक्षक नंदी का अपमान कर चुका है, अहंकार में इतना बेसुध हो गया है। यदि मुझसे भूल हुई है तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि नहीं नहीं इंद्रदेव, अब आप कुछ मत कीजिए। हाँ जी, बेहतर तो यही। अब जो भी करना है वो महादेव ही करेंगे। आप बस आप देखते जाएं। आप मून रहे खामोश। स्वामी कार्तिकेय में आए परिवर्तन से क्रोधित प्रतीत हो रहे थे। वो कार्तिकेय से बात करने गए तो हैं, किंतु नहीं, हमें विश्वास है कि कार्तिकेय अपने पिता की बात अवश्य समझेगा। अभी तो वो बालक है, जीवन के सत्य और तथ्यों से अवगत होने का अवसर ही कहाँ मिला है उसे। सहसा इतना बड़ा दायित्व सौंप दिया गया है तो भ्रमित होना संभव है। स्वामी, स्वामी क्या हुआ? पार्वती, हमारे पुत्र के सिर पर सेनापति का मुकुट उसके अहंकार का स्रोत बन चुका है। अपनी शक्तियों से उन्मत्त होगा, मर्यादा का उल्लंघन करने की ग्लानि तक उसके मुख पर नहीं थी। होती भी कैसे, उसे तो यह आभास भी नहीं कि वो किस भ्रम में है। क्या? नहीं, यह हमें स्वीकार नहीं है। हम अभी उसे उसकी भूल का आभास दिलाते हैं। उसे आपसे और नंदी से क्षमा मांगनी ही होगी।
नहीं पार्वती नहीं नहीं वेट एंड वॉच कार्तिकेय को उसकी भूल का आभास दिलाने का उपाय स्वयं उसके अहंकार ने ही दे दिया है। कार्तिकेय ने स्वयं अपने पिता को चुनौती दी है। ओ यार सबसे बड़ा दुखी वही ना भाई इस चीज़ का वाकई दुख है क्योंकि जो महादेव जी ने एक लास्ट पर बात बोली है ना तब भी भाई बोल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करनी थी कि पिताजी के सामने चुनौती का नहीं नाम लेना था। बाकी चीज़ें कोई नहीं खैर वो संभाल लेते थे महादेव जी बाकी खैर कोई नहीं फिर भी है कि संभाल लेंगे हर चीज़ भाई कार्तिक क्या करो राजेंद्र का आ जाता है जैसे ही वो आए उन्होंने मतलब इस हद तक उनको चीज़ें बढ़ा चढ़ा के कही हैं कि जिसकी वजह से उनके अंदर वो चीज़ एक ऑटोमेटिकली आप किसी भी अंदर मैं चली गई है कि आप हर चीज़ को जो है ना वो पराजय कर सकते हैं आप जो है ना वो सब कुछ जो है ना जैसे ही आपके सर के ऊपर जो है भाई जो है ना सेनापति का मुकुट पहनाया गया है उसके बाद आप ही अमर हो गए हर चीज़ के बाद जो है ना आपकी ग्रिप है और यही चीज़ जो है ना वो आगे इस हद तक चली गई है कि आज देख लो उन्होंने महादेव जी को भी चुनौती दे दी है यार सही बात जो कि एक बाकी ये काफ़ी भाई काम खराब हो चुका है क्योंकि एंड पर महादेव जी भाई ऐसे ही जैसे परेशान नहीं हो जाता बंदा एक बेबस हो जाता है तो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं लेकिन फिर भी आप भाई देवेंद्र को क्या बोल सकते हैं उन्होंने भाई एक बड़ी बड़ी मिस्टेक की हुई है इसमें कोई शक नहीं हर जो भी एक बड़े कार्य की होती है ना उसमें उनकी मिस्टेक ज़रूर होती है लेकिन फिर भी आप देखो ना कि एक पिता अपने बच्चों के सामने या औलाद के सामने कैसे बेबस हो जाता है एक कोई चीज़ नहीं कर सकता तो वही चीज़ें सेम है एक कुमार जी के अंदर भाई एक अहंकार आ गया एक पावर का कि मैं ही मैं हूँ क्योंकि महादेव जी ने हर चीज़ क्लियर किया है कि सेनापति से एक युद्ध नहीं जीता जाता नहीं वो ये है ना कि भाई अब देखे ना कि जब एक आकर देवराज इंद्र ने बताया है ना तब थोड़ा सा उनको ऐसा फील हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा आगे चीज बढ़ी है लेकिन अच्छा, ये ना हमने महादेव जी को उधर ही चीजें का पता चल गया था लेकिन तब हमने भी नहीं जजमेंट किया कि महादेव जी को क्या हुआ है इधर तो भाई एक कुमार जी को हर चीजें मिल रही हैं एक सब दे रहे हैं पावर लेकिन उधर महादेव जी ने जजमेंट कर ली वहां पे वो थोड़ा फील किया था उन्होंने हम समझ रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ बिल्कुल बाकी देखो आगे देखते हैं मामला थोड़ा सा फिर लेकिन एक चीज यहाँ पे हुई है कि अभी इस एज में जो है ना वो हो गया है तो अभी उसकी जो है ना वो ट्रेनिंग दोबारा हो जाएगी उम्मीद है बेहतरी की बिल्कुल लेकिन ये कि आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गुड बाय टेक केयर।